शफीकुर रहमान बर्क को लेकर किस बात को सुनकर धर्मेंद्र यादव हुए भाव, गुस्से में हो गया आग बबूला। धर्मेंद्र से बर्क को लेकर पूछा गया था एक सवाल, सवाल पूछने वाले से ही धर्मेंद्र ने गोदी मीडिया से पूछा ऐसा सवाल कि जवाब नहीं दे पाया। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन से सपा में एक बड़े अनुभव के जाने से क्षति हुई। इससे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भली भांति समझ रहे हैं। अब जबकि शफीकुर रहमान का निधन हो गया तो गोदी मीडिया के रिपोर्टर ने संभल से कौन चुनाव लड़ेगा इसको लेकर सवाल किया। इस पर धर्मेंद्र यादव जबरदस्त तरीके से भावुक हुए, आग बबूला होकर ऐसी नसीहत दी कि सवाल पूछने वाले खामोश हो गए। संभल के लोग और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, ये तय करने का हक अधिकार मुझे नहीं है। और पत्रकार मित्रों, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा आप लोग भी संवेदनशील बनिए। अभी परसों ही मैं समझता हूँ बरसात की मृत्यु हुई है और आज आप ये सवाल कर रहे हो। मैं आपसे इतनी संवेदनहीनता की अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ राजनीति से बहुत उठकर मानवीय चीजें, मानवीय मर्यादाएं, परंपराएं, उनका अनुसरण हम सबको करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। नहीं, उन्हीं की तरफ से कुछ चीजें आएंगे कि उनके पोते हैं जो विधायक हैं। सवाल वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ संभल के लोग तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उनके पोते साथी जिया हमारे भाई हैं, विधायक हैं, वो क्या तय होगा ये पार्टी तय करेगी। देखिए कुछ संवेदनशील बनिए सांसद जी, लगातार अभी कल ही उनका तीजा हुआ है। तो सुना आपने, धर्मेंद्र यादव ने मीडिया को संवेदन ही नहीं संवेदनशील होने की नसीहत दी। दरअसल डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि संभल लोकसभा सीट पर उनकी सियासी विरासत कौन संभालेगा। इसको लेकर कई नाम बर्करों की जुबान पर हैं। पहला नाम बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क का है, दूसरा संभल सीट से सपा विधायक इकबाल महमूद का है और तीसरा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव का। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान जल्द ही इस सीट पर अपना नया दमदार कैंडिडेट घोषित करेगी। शफीकुर रहमान बर्क को संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली ही लिस्ट में कैंडिडेट घोषित कर दिया था। वो मौजूदा सांसद भी थे, वो 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके थे। कैंडिडेट घोषित होने के बाद 3 फरवरी को बर्क की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसके चलते उनका निधन हो गया और उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सुपुर्दे खाक होने के साथ ही सवाल उठने लगा कि संभल लोकसभा क्षेत्र में से सपा का नया कैंडिडेट किसे घोषित किया जाएगा, उनकी सियासी विरासत इस सीट पर कौन संभालेगा। वैसे सियासी जानकारों का मानना है कि बर्क की सियासी विरासत संभालने के सबसे बड़े दावेदार उनके पोते और कुंदरकी से पहली बार विधायक चुने गए जियाउर रहमान बर्क हैं। जियाउर रहमान ही बर्क के साथ लंबे समय से साय की तरह रहते थे। 2022 में जब बर्क ने पोते को टिकट दिलाया और जिताया था, तभी से कहा जाने लगा था कि दादा अपने पोते को सियासी उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा कि जो धर्म जिस रूप में है हमें उसी रूप में स्वीकार है, और जहाँ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो केवल अपने स्तर से अपने तरीके से चीजें जुटा के केदार बाबा का मंदिर इटावा में भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है पांडे जी। कल तक आप भी माननीय अखिलेश यादव जी के लगातार आप उनके तारीफों के पुल बांधते थे, कम से कम इतनी जल्दी उन्हें नहीं बदलना चाहिए।